नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का 65वां जन्म दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता और काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। वहीं मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। वहीं कहा गया कि ये सरकार लुटेरों की सरकार है। किसानों की बात को भी करते हुए कहा कि ये इस सरकार को जो काला कालू लेकर आई है वो वापस लेने होंगे। वहीं जन्म दिवस के मौके पर अदर पार्टी के लोग भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और गरीबों को कंबल वितरण किए गए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी और वर्तमान में बसपा सुप्रीमो का जन्म दिवस शहर अलीगढ़ में बसपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। जन्मदिन के इस अवसर पर कांग्रेस, भाजपा एवं सपा के बहुत से कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका स्वागत मंच पर माला पहनाकर किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि बसपा पार्टी सत्ता के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेगी। बसपा कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करेंगे। 2007 की तरह 2022 में अपने दम पर सरकार बनाएगी बसपा। कृषि बिल का विरोध करते हुए बसपा सुप्रीमो ने किसानों का समर्थन किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि सरकार ये काला बिल वापस नहीं देती है तो बसपा किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बिल सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लागू करना चाहती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था करे, जिससे इस बीमारी से आम जनमानस को बचाया जा सके। और किस तरीके से आज जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही और माधुरी बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और बड़ी सादगी के साथ मना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया है और बहुजन समाज पार्टी जन कल्याण के लिए जो गरीब लोग हैं, जो विधवाएँ हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कंबल वितरित करने का काम अभी किया जाएगा और साथ ही साथ गरीबों को अनाथालय में और अस्पतालों में फल वितरित करने का भी काम बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। क्या पार्टी में कुछ कार्यक्रम दूसरी पार्टी से ज्वाइन कर रही है? आज बहुजन समाज पार्टी में भाजपा, कांग्रेस और सपा के सैकड़ों लोग अपने समर्थकों के साथ अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी आपके समक्ष सभी लोगों का माला पहना के स्वागत भी किया गया। सर, जैसे कि किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर किस तरीके बात कहना चाहिए, क्या रहेगा? जो किसानों का आंदोलन है वो पूरी तरह से जायज है। बहुजन समाज पार्टी किसानों का जो उनके किसानों के जो बिल आए हैं, कृषि बिल आए हैं, उनका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि किसान अपनी अच्छाई और बुराई समझता है, हित और अहित समझता है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज पुनः बहुजन समाज पार्टी की ओर से किसानों के जो खिलाफ कानून बने हैं उनका विरोध किया है और कहा है कि सरकार को, केंद्र सरकार को हर धर्मी छोड़ करके इस किसानों के खिलाफ बिल को वापस ले लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि किसान जो बिल जो आए हैं किसान हित में आए हैं, किसानों को फायदा।